अगर आपका भी पासपोर्ट नहीं आ रहा या फिर अंडर रिव्यू में है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुका है, पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है, एसपी ऑफिस में रुका है, कोई ना कोई दिक्कत है और नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज मैंने आप सभी लोगों का कमेंट पिक करा है, जो बहुत सारे लोगों का इशू था वो, और आज आपको जो है सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो एक कमेंट्स आया हुआ है, 9th तक पढ़ा हूँ, ECNR बन जाएगा क्या पासपोर्ट? ये भाई बोल रहे हैं कि मैं 9वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, तो क्या मेरा ECNR कैटेगरी का पासपोर्ट बनेगा? तो जी नहीं, अगर आप 9th तक पढ़े हैं तो नहीं बनेगा। अगर आप लोग में से कोई भी अगर 10th पढ़ा है तो उनका ECNR कैटेगरी का बनेगा। अगर आप 9th पढ़े हैं लेकिन आप रिटर्न फाइल 3 साल या 4 साल पुरानी भर चुके हैं या फिर 1 साल 2 साल पुराना हो, तो आप जो है ITR लगाकर अपना ECNR कैटेगरी का बना सकते हो। मार्कशीट के अलावा भी बहुत सारे दस्तावेज आते हैं जिसका यूज करके आप ECNR कैटेगरी में बना सकते हो। अब दूसरे हम कमेंट की यहाँ पर बात करें तो हमारे पास आया था, तो ये कमेंट्स आया यहाँ पर देख सकते हो, हेलो सर, आई एम CSC वर्कर एंड वन ऑफ द इशू इज पासपोर्ट अंडर रिव्यू एट RPO आ रहा है, ज्यादातर कस्टमर कह रहे हैं, अब उनसे क्या कहूं? तो ये भैया बोल रहे हैं कि ज्यादातर कस्टमर का जो है अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है और इसके वजह से आपका पासपोर्ट नहीं आ रहा है। कब आएगा? देखो कब आएगा ये कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर किसी दिक्कत की वजह से रुका होगा तो वो आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट लेकर जाना होगा, और वहां जाओगे तभी आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस रीजन से आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है। तो अगर आपको बोलना है मतलब ये स्टेटस उनका शो कर रहा है, तो आप उनको बोलिए कि थोड़ा सा वेट करें, फिर भी स्टेटस वही दिखा रहा है तो उनको RPO जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक सवाल यहाँ पर एक हमने चूज करा है, ये बोलते हैं, ये इन्होंने 2 कमेंट्स करा था मेरे 2 वीडियो पे, ठीक है। ये बोल रहे हैं, भैया एक हेल्प चाहिए था आपसे, मैंने तत्काल पासपोर्ट अप्लाई किया था पासपोर्ट ऑफिस से, मेरे सारा काम हो गया है, अब पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, 3 दिन हो गए अभी तक मेरा कोई मेरे को बुलावा नहीं गया है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, मेरा नियर के थाने में से अभी पेंडिंग दिखा रहा है, क्या मुझे थाने जाना चाहिए? तो इनका कहना है कि इनका पुलिस पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गया तत्काल में, लेकिन अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल या मैसेज नहीं आया। तो देखिए आपको जो है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको डायरेक्ट थाने पर जाकर पता कर लेना है, और आपकी फाइल अगर वहाँ पर चली आई है तो आप वहाँ जाकर अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा लो, कभी कभी नहीं आता है तो 48 आवर के बाद पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बाद 48 आवर के बाद आप थाने पर करते रहो, जब आपकी फाइल आए तो आप खुद जाके वहां फिजिकली वेरीफाई कर लो, आप वेट मत करो कि कब पुलिस वाले कॉल करेंगे, कब आपका वो आएंगे वेरिफिकेशन करने, आप खुद जाके करवा लो, ठीक है। एक और इसके आगे कमेंट्स आया है, ये देखिए, सर 17/10 मतलब 17 अक्टूबर को PSK में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, 23 दिन हो गए अभी तक स्टेटस अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शो कर रहा है, प्लीज़ कुछ गाइड करें। तो देखिए अगर आपका अभी 17 तारीख को आपने करा था तो ऑलमोस्ट आपको 20-25 दिन होने वाला है, तो आप और हफ्ते 10 दिन वेट कर लीजिए, फिर भी अगर सेम स्टेटस दे रहा है तो आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेके आप वहाँ जाओ, RPO जाओ, और वहाँ जाकर पता करो कि किस रीजन से आपका रुका है, जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम है, जिस रीजन से रुका है उस प्रॉब्लम का सॉल्व करो, और जैसे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है उसके बाद आपका पासपोर्ट वहां से डिस्पैच कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स आते हैं हमारे पास यहाँ पर, देख सकते हो लिखे हैं, भाई अगर किसी का गुप्तांग छोटा बड़ा हो तो क्या होगा? ये इनको जो अपना गांव का मेडिकल कराना है, तो वो बोल रहे हैं कि क्या अगर हमारा गुप्तांग छोटा है तो इससे कोई दिक्कत होगी? तो जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें जो आपका चेक करते हैं ना गांव का मेडिकल में, वो बीमारी वगैरह चेक करते हैं, कोई बीमारी आपको ना हो तो ये भाई गुप्तांग छोटा होना ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो इसका आप टेंशन मत लो, आपका गांव का जो है रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कमेंट्स आता है, यहाँ पर लिखा है, सर मैं मेरा दुबई में 6 मंथ हो गए, क्या हम वीजा कैंसिल करवा सकते हैं? कोई चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा? तो देखिए अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, 6 महीने हो गया लेकिन एग्रीमेंट 1 साल का है, तो उस कंडीशन में आपको फाइन जो भी होना होगा वो आपको देना पड़ेगा, और अगर आप अच्छी किसी रेपुटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो 6 महीने के बाद भी आप उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद कमेंट्स आता है कि सर बैंक पासबुक एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं क्या? तो जी हाँ, आप एज एड्रेस प्रूफ में बैंक पासबुक का यूज कर सकते हो, आप लाइट बिल का भी यूज कर सकते हो, आप घर भेड़ा का यूज कर सकते हो, गैस कनेक्शन बिल यूज कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट है जिसका आप जो है एज एड्रेस प्रूफ में यूज कर सकते हो। मैंने इनका रिप्लाई भी दिया है, यस के रूप में मैंने इनका रिप्लाई दिया था। उसके बाद कमेंट्स आता है कि मुझे आज 45 दिन हो गए अभी तक नहीं हुआ, तो इनका देखिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, मतलब पासपोर्ट अभी तक नहीं है 45 दिन हो गया, तो इनको यही बोलूंगा, तो आप जो है RPO ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफिस जाओ और वहां जाकर पता करो किस रीजन से आपका पासपोर्ट रुका है, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो ये सारे कुछ आपके सवालों के जवाब थे, और इसके ये इतने मैंने क्वेश्चन पिक करे ताकि आप सभी लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब क्लियर करा होगा, जैसे गामका मेडिकल से पासपोर्ट रुका हुआ है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आपका शो कर रहा है कि योर पासपोर्ट इज अंडर रिव्यू एट द SP ऑफिस, या फिर दे रहा है कि SP ऑफिस में पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप SP ऑफिस जाकर एक बार पता कर लेना आपकी फाइल वहाँ क्यों रुकी है। क्योंकि SP ऑफिस में रुकने का कारण होता है कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह होती है तो वहाँ पर ज़्यादातर रुकता है, तो एक बार जाके SP ऑफिस पता कर लेना। ये रीजन नहीं होगा तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, फिर आपकी फाइल जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाएगी, और उसके बाद आपका सारा दस्तावेज सही रहता है तो पासपोर्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, और उस कमेंट को हम पिक करके नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।